हाय हाय आज हमारे हनीमून को पूरा एक महीना होने वाला है. आज ही के दिन उन्होंने मुझे पहली बार छुआ था, जब मैं गोबर में गिर गई थी. और मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, मैंने उन्हें आई लव यू भी नहीं कहा. इसलिए आज कहूंगी इस लव लेटर के जरिए. काश मुझे भी किसी ने स्कूल भेजा होता तो मैं भी अपनी लोलिता के लिए लव लेटर लिखता. हाय मेरी कनाडन. मेरी कनाडन बीवी कहाँ खोज हुई है? जिया काजू कतली. अगर तुम रजाई तो मैं तकिया. हाय हाय हाय. अगर तुम मटर तो मैं पनीर. आहा, आहा. अगर तुम कुर्ता तो मैं पजामा. हाय हाय हाय. लेकिन ये जालिम दुनिया हमें मिलने नहीं देती. मैंने डिसाइड किया है कि हम दोनों भाग चलेंगे सबसे दूर और बसाएंगे अपना होम स्वीट होम. और हाँ एक बात और, आज रात को ठीक 12 बजे हम पेटू लाल की दुकान पर मिलेंगे, क्योंकि 12 बजे से शुरू होते हैं पेटू लाल की आइसक्रीम के हैप्पी आवर. विथ लव फ्रॉम माय दिल टू योर दिल. फ्रॉम माय दिल टू योर दिल. पेटू लाल की आइसक्रीम रात के 12 बजे. मेरी कनेडन मुझे धोखा देने वाली है. लेकिन वो हार्ट शेप वाले स्टिकर्स तो मिलाना ही भूल गई, बेडरूम में पड़े होंगे, अभी लेकर आती हूँ. हार्ट शेप वाले स्टिकर्स, ये करना क्या चाहती है? दिल से दिल. लेटर तो पढ़ना ही पड़ेगा. मेरी गाय जैसी कनाडन बीवी मुझे धोखा दे रही है, जिसके प्यार में मैंने वो जले हुए पकोड़े ऐसे खाए जैसे खुद फराह खान ने तले हो, जिसके घटिया पीजेस पे मैं ऐसे हंसा जैसे मैं नवजोत सिंह सिद्धू या अर्चना पूरण सिंह हूं, वो मुझे धोखा दे रही है. ना ना मुन्ना ना, ये समय प्यार में रोने का नहीं है, ये समय पता लगाने का है कि तेरी बीवी तुझे क्यों धोखा दे रही है. अबे इंसान की औलाद ऐसा कुछ नहीं है. अबे कुत्ते चुप हो जा. तुझे क्या पता जब इंसान का दिल टूटता है तो उसे कितना दर्द होता है. लेकिन चुप. अरे यार ये भावेश भाई को भी इसी समय कॉल करना था. हेलो भावेश भाई. ये लो, ये तो अपनी बीवी से भी बड़ा डफर निकला. अब देखते हैं क्या गुल खिलाता है ये लेटर. कहाँ गया कहाँ गया. इतनी मुश्किल से तरला दलाल की दाल की रेसिपी लिखी थी, पता नहीं कहाँ रख के भूल गई. हाय हाय, इतनी छोटी कमसिन उम्र में भला कभी किसी की याददाश्त कमजोर होती है? और मुझे देख लो. सॉरी जी सॉरी. वैसे एक बात कहूं, आज की सुबह बड़ी हसीन है. सुबह सुबह चांद दिखाई दे गया मुझे. एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट चांद, माय नेम इज तारावंती वर्मा फ्रॉम पटियाला एंड यू. मैं जी चोपड़ा हूं, इस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूं. पीएम चोपड़ा, प्यारे मोहन चोपड़ा, आप चाहें तो मुझे प्यारे भी कह सकती हैं. वो है ना अपना प्रेम. प्रेम? हेलो जी. नमस्ते. I am very busy, no time. मेरा एक पेपर खो गया है.
वैसे मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि आपका पेपर जरूर मिलेगा। आप ना इधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। नहीं नहीं, मतलब इधर देखता हूँ। बड़ी अजीब टाइप का इंसान है। ओए किधर रख दिया यार ये? ओए प्रेम पत्र, इसका मतलब है कि आग दोनों तरफ लगी हुई है। मिस्टर चोपड़ा। हाँ जी। आपको वो पेपर तो नहीं मिला? सुनिए वो पढ़ना मत, अभी ना उसमें मैंने बहुत कुछ लिखना है। लिखना तो भूल ही गई। मतलब अभी और भी लिखना बाकी है। आय हाय नमकीन, इसका मतलब है कि ये प्रेम पत्र तारावंती ने मेरे लिए लिखा है। मिस्टर चोपड़ा, ओ चोपड़ा जी, हेलो। वह कहाँ चले गए? पता नहीं कहाँ रख दी मैंने ये रेसिपी। और मेरी कनेडियन बहू दाल बनाना कैसे सीखेगी? लिखेगी? क्या लिखेगी? आए कानपुर की हड़ताल, लिखेगी नहीं सीखेगी। छोड़ से, तू यहाँ क्या करने आया? मैं तो तुम्हें देखने आया हूँ तारो। ओए कान खजूरे नलायका, अगर देखने का इतना ही शौक है ना तो मेरा पेपर देख। और सुन, उसे ना पढ़ना मत, अगर तूने उसे पढ़ा ना तो तेरे जितने भी दांत है उन्हें मैंने तोड़ देना है। अब खड़ा किया है नलायका, तू उधर देख, मैं इधर देखती हूँ। देखता हूँ देखता हूँ। लगता है यही है मेरी तारों का पेपर। अरे वाह, दिल की शेप में। लगता है तारों ने मेरे लिए प्रेम पत्र लिखा है। आखिर मेरे प्यार का जादू उस पर चल ही गया। ये भी बेचारी कब तक बच के रहती है इस जवान लौंडे से। देखो तो क्या लिखा है। वाह, अगर तू रजाई तो मैं तकिया। मेरे पूरे बदन में गर्मी सी फैल गई। ओए कॉकरोच की दुम, मिला? मिला तो बहुत कुछ है। क्या? नहीं कुछ भी नहीं मिला, पर मैंने कुछ रखा भी नहीं है। वो क्या है कि मैं जरा जल्दी में हूँ, बहुत पैकिंग करनी है, हम ना रात को मिलते हैं, हैं? अच्छा। ओ चपेट मारी मत रे, यार मर चला ना हवे था। किसी को मिलना है मैंने रात को, लफंडर कहीं का मानू खाना। My dil to your dil? चलती फिरती कबर ने ये लिखा है, पुरानी दिल्ली के पुराने किले ने ये लिखा है। नहीं नहीं नहीं, ये तो भी बड़ा नलायक है, ये ऐसा नहीं लिख सकता। तो 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 किसने लिखा है, किसने लिखा है? होई होई, कहीं ये उस मर्चनी चोपड़े ने तो नहीं लिखा? वैसे भी उसकी शक्ल में मुझे दुनिया भर के विलन नजर आते हैं। हाय रब्बा, तारावंती फेंक दे से, कहीं बच्चों ने इसे तेरे हाथ में देख लिया तो पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। हाय हाय हाय, जस्सी बेबी, जस्सी, अरे जस्सी कहाँ हो तुम? हाय मेरे ससुराल, जस्सी। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, वो मैंने पढ़ लिया, हाँ मैंने पढ़ लिया। हाय हाय हाय, स्वीटो, ओ ये मेरी कब होगी रब्बा? हेलो जी, मेरा केक। क्या जी, आपने मुझे डरा दिया।
वैसे हम सॉरी। ना ना स्वीटो जी, आप नहीं, मैं सॉरी थी जो आपका ये केक खा गया। वैसे भी ना मेरी मेरा मतलब केक मेरा फेवरेट है जी। ओ ऐसे, हाउ क्यूट, ये तुम ही खाओ। कोई स्वीटो की टच दे तो मैं भी स्वीट स्वीट हो गया। लेटर मेरे लिए, केक, लेटर, स्वीटो, आज रात को तुम जरूर मिलेंगे। From my दिल to your दिल। ये रहे मेरे हाथ छेप वाले स्टिकर्स। ये स्टिकर्स देख के ना वो जरूर समझ जाएंगे कि वो प्रेम पत्र मैंने लिखा था। आखिर वो इतने भी डम नहीं है जितने वो दिखते हैं। मेरा हाथ छेप वाला प्रेम पत्र कहाँ गया? कहाँ गया? हाय, उसके कहीं पैर थोड़ी ना कि वो कहीं चला जाएगा। तू भी ना जस्सी, पप्पू के प्यार में ना तू भी डम होती जा रही है। लेटर कहाँ है? हाँ जरूर उन्हीं ने लिया होगा। मतलब आज रात को मैं और वो भागम भाग। ये चल जस्सी, तू खड़ी क्यों है? जल्दी से जाके तैयारी कर, टाइम बहुत कम है। हाय हाय हाय, दिल वाले की तो। हाय हाय हाय, जस्सी मेरे साले, मैं आ गया। क्यों आ गया? बाबूजी ने कहा आइसक्रीम छोड़ दो। मम्मी जी ने कहा एक्टिंग छोड़ दो। उन्होंने कहा घर छोड़ दो। और आज मेरी बीवी ने मुझे ही छोड़ दिया। ये दारू पी के क्या बकवास करी जा रहा है? कौन से देवदास ने काट लिया तेरे पीछे? कौन कम वक्त नशे के लिए दारू पीता है? हम तो लस्सी पीते। इमोशन में लस्सी पीने का स्वाद तुम क्या जानो जस्सी बाबू? डीजे सीधे सीधे बकेगा, हुआ क्या है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? मेरे फूल जस्सी जस्सी को आज कोई भवरा उड़ा के ले जाने वाला है। डीजे जबान संभाल के बात कर। मेरी जस्सी भले ही भारत में रहती हो लेकिन आज भी उसके अंदर कनेडियन संस्कार फूट फूट के भरे हैं। तेरे कनेडियन संस्कार आज रात को देख ले, पता लग जाएगा कौन सच्चा और कौन झूठा है। हाय हाय हाय, अगर ये बात झूठ निकली तो तुझे छोटी के हाथ का एक हफ्ते तक शाही खाना खाना पड़ेगा। क्या बात कर रहा है? इस टेली शॉपिंग की औलाद को समझाना किसी गधे के सामने बीन बजाने से कम नहीं है। हाय हाय हाय, आंखें फोड़ आंखें फोड़ गेम खेल रहे हो? जिसकी किस्मत फूटी हुई वो क्या किसी की आंखें फोड़ेगा? किस्मत फूटी है? क्या किस्मत फोड़ भी एक गेम है? नहीं छोटी नहीं, हम कोई गेम शेम नहीं खेल रहे हैं। ये तेरा पति बकवास कर रहा है कि तू आज रात को कहीं जा रही है। पूछी, आपने जस्सी को बता दिया? हाँ जस्सी भैया, जाना तो होगा। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। सोच रही हूँ अपनी ट्रिप के लिए ना शाही हलवा बना लूँ। बाय। सुन लिया शाही हलवे? हेलो तारावंती जी। मिस्टर चोपड़ा फिर से आ गए। ओ जी वो मैं ना जी आपसे ये पूछने आया हूँ कि वहाँ के लिए गरम कपड़े पैक कर लो। गरम कपड़े? हाँ जी, रात को वहाँ ठंड होगी ना, और 12 बजे के बाद जब हम लोग आइसक्रीम खाने जाएंगे, बाहर ठंडी आइसक्रीम ठंडी, तो हम दोनों को ठंडी लगेगी ना जी। हाँ, अरे रात को तारे चमकेंगे, साथ में तारावंती होगी, चोपड़ा तारावंती, बाहर ठंड आइसक्रीम ठंडी, दोनों मिलके जब तो प्रेम पत्र का राज खुल गया। यही है वो कमीना जिसने ये गंदी हरकत की है। पड़ोसी के नाम पर कलंक है ये, कलंक। तारावंती जी,
आप टेंशन बिल्कुल मत लो, टेंशन लेने से रिंकल आते हैं, डार्क सर्कल बढ़ जाते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं गर्म कपड़े लेता ही नहीं हूँ, अगर मुझे ठंड लगी तो आप तो है ना वहाँ मेरे पास, मतलब शॉल तो होगी ना आपके पास। फिलहाल मैं काम करता हूँ, मैं चलता हूँ। अलविदा कहना है मुश्किल जब तक दिल ना बोले गुड बाय। मिस्टर चोपड़ा, हे भगवान, इस कम से उम्र में कैसे कैसे लोगों से मिलवा रहे हो? खिलवा रहे हो? क्या खिलवा रहे हो तारा? इस वक्त खेलने का टाइम नहीं है। मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मुझे जल्दी जल्दी सामान पैक करना है, वरना गाड़ी छूट जाएगी, और मुझे दवाई भी खानी है। तो मेरी चिंता मत करना, मैं तुम्हें फिर मिलने आऊंगा। अच्छा अच्छा, फिक्र ना कर। तो ये हरकत इस ठरकी नंबर वन ने की है। कोई बात नहीं, इन्हें तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इनकी चारों पुश्तें याद रखेंगी। छोटी तू ये क्या कर रही है? तैयारी, आज आपको पता है ना? छोटी एक बात बताऊं, तेरा पप्पू गधा है लेकिन तुझसे सच्चा प्यार करता है। माना कि वो एक बंदर भी है लेकिन वो धोखेबाज नहीं है। माना कि वो एक छुचुंदर भी है लेकिन वो तेरे लिए कुछ भी कर सकता है। हैं? मेरा पूछी चाहे मुझसे जितना भी प्यार करता है, मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं तो आज रात को भागूंगी। यूं अकल की दुश्मन हूँ। क्योंकि जब भी मैं, मेरी फेवरेट फिल्म है, और अगर करीना कपूर फिल्म में भाग सकती है तो मैं क्यों नहीं। बारह बज गए, अब सिर्फ मैं अरबू और पेटूलाल की आइसक्रीम। कौची, मुझे ना थोड़ा सा डर लग रहा है। ये कहाँ गए? हाँ, लगता है ये इंतजार नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए ना मेरे हॉल में वेट कर रहे होंगे। बाय। देख ली कैनेडियन संस्कार की माँ। एक पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाय हाय हाय। हाय, मेरा पप्पू परमेश्वर कहाँ गया? तुम और ये क्या हो रहा है? तुम का शोर क्यों मचा रखा है? तारावंती जी, ये आपके लिए लाया हूँ। ना बड़ा ठरकी है, फूल लेकर आ गया। आपने कुछ कहा मुझे? नहीं जी, मैं तो आपकी तारीफ कर रही हूँ। इतना बड़ा फूल, आधी रात को फूल लेकर आया है। इट्स माय प्रिविलेज। डैडी। ओ पुत्र जी, तुसी ये थे? डैडी जी, आप यहाँ कैसे? मैं तो तारावंती से। क्या? नहीं, मतलब मैं तो जी वो मॉर्निंग वॉक पे निकला हूँ। रात को 12 बजे मॉर्निंग वॉक? 12 बजे के बाद एम हो जाता ना, तो मॉर्निंग हो जाती है, तो 12 बजे के बाद मॉर्निंग वॉक। ओ देन ओके। चिंगम डॉली का पापा जी भी चेप है। ए, काश ये लेडी चिंगम मुझ पर चिपकती। चिपकू? जीजे, ये तो पूरी पलटन आई हुई है यार। और ये मत कहना कि अब छोटी सबके साथ भागेगी। हाय हाय हाय। क्या बात है, आप सब लोग यहाँ हैं? चोपड़ा साहब ये बस, और छुछुंदरा तेरी कमी थी। ये क्या इंडिया गेट है कि सब आ गया मैराथन में भागने का तैयार हो? अरे मैं तो अपने डैशिंग बॉयफ्रेंड जस्सी के साथ भागूंगी। हाँ, मैं कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड नहीं हूँ। स्वीटो, तूने मुझे धोखा दे दिया। पता था, मुझे पता था, दोनों भाई बहन एक जैसे हैं। अगर बहन -1 नंबर ही है तो -10 नंबर ही। तुमसे प्यार नहीं करती? नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं जस्सी से प्यार करती हूँ, है ना जानू? डॉली। डैडी, वी लव ईच अदर। ओ रियली? हाँ। ओ, इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों की पसंद एक ही कार में है। इनका प्यार कौन है बे? हाँ जी पापा जी, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू पुत्र जी, थैंक यू, आई एम सो लव। एक काम कर, तू इसको भगा के ले जा प्लीज। पक्का? अरे स्टैम्प पेपर पे लिखवा ले जा बस। अरे पाजी, तुमने डबल रखना, बात ही अलग है। जब तक इनका कोई फैसला होता है हम कहीं चलें।
अरे कहाँ चले? मुझ जैसे बांके नौजवान लौंडे को छोड़कर तुम जैसे रिटायर्ड पैर के साथ चलेंगे? हरगिज़ नहीं। मेरी तारो, चल मेरे साथ, मैं तुम पर एक आज तक न्याय दूंगा। चल चल, बहुत गर्मी चढ़ी हुई है ना तुम लोगों में, अभी बताती हूँ मैं। और घुंघरू ना इतना ठंडा। अब्बा जी, अच्छा बेबी, हाँ? एक बात बता, इनमें से वो घोचू कौन है जिसके साथ तू भागने वाली थी? तेरा हीरो? मेरा हीरो? मैं आपको छोड़कर किसी और के साथ भागने वाली थी? ऐसा मैंने कब सोचा? ये तो मुझे याद ही नहीं है। मैं तो आप ही के साथ भागने वाली थी जी। अरे पर मैंने सुना था तू किसी और के साथ 1-2 का 40 होने वाली थी। ए जी, आपने मेरा हार्ट वाला शेप वाला प्रेम पत्र नहीं पढ़ा क्या? क्या मतलब कि ये प्रेम पत्र आपने लिखा? हाँ। यही तो है मेरे दिल वाला प्रेम पत्र, मेरे दिल वाले के लिए। तो तुमने ये लेटर मेरे लिए लिखा था? ओ, अच्छा, गलती से मिस्टेक हो गई। अयो रब्बा, ए बहू, तू ना बिल्कुल मेरे पे गई है। ये पप्पू के संस्कारी बाबूजी को लव लेटरें लिखा करती थी। भगवान अंकल, आपकी लव स्टोरी खत्म। अरे भाई, आपकी भी खत्म है, चलो चलो। खसमानु खाने मार जाने। ए जी, तुमने मुझ पे शक किया, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी जल्दी छोड़कर चली जाऊंगी? मैं तुम्हारा साथ तो अगले 7 जन्मों तक नहीं छोड़ूंगी। इसी बात का तो मुझे भी डर है। नहीं बेबी, तू ही मेरा सच्चा और इकलौता डम्बो वाला प्यार है। आहा, आहा। मावारी जाए, मा सद की जाए।